नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें या देश की राजनीति की बात करें, इस समय केवल एक ही मामला चर्चा में चल रहा है। और मामला क्या, एक यात्रा चर्चा में, वो यात्रा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अब आप बोलेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्यों कहा, ये तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। बस जिस यात्रा में राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी जद्दोजहद के साथ जुटे हुए हैं और 7 डिग्री सेल्सियस के तापमान में एक तपस्वी की तरह हाफ टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं, अपने कांग्रेसी साथियों में उत्साह जगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसको अगर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ना कहकर अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहेंगे तो मेरे ख्याल से कोई गलत बात हमने नहीं कही है। खैर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करें, बात तो एक ही है, अलग नहीं है, पार्टी उन्हीं की है। और जिस तरह से गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी में एक अहम योगदान रहा है, उससे इस बात को कहीं धक्का भी नहीं पहुंचता है। खैर, पर इसके अलग महत्वपूर्ण चर्चा उत्तर प्रदेश में इसलिए हो गई है क्योंकि इनकी जो यात्रा है, लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा का सफर पूरी करके अब उत्तर प्रदेश में शुरुआत कर चुकी है। गाजियाबाद, बागपत और शामली, 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें और साथ ही साथ 11 विधानसभा में होकर गुजरने वाली है। आज गाजियाबाद में रही, लोनी बॉर्डर से इसका शुरुआत हुई, उसके बाद आज विश्राम करेगी बागपत में, फिर बागपत में रहेगा, उसके बाद शामली में रहेगी। और इस यात्रा के माध्यम से तमाम तरह के तथ्यों को जोड़ने की बात कही जा रही है, उत्साह की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी के अंदर सनसनी मची हुई है, घबराई हुई है। कितनी घबराई हुई है बीजेपी, ये शायद बीजेपी जानती होगी या फिर जानते होंगे बीजेपी के नेता। खैर, कौन कितना घबराया हुआ है, ये तो आने वाले समय में 9 राज्यों में चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी है और 24 का चुनाव भी ये स्पष्ट कर देगा कि कौन कितना घबराया था और इस यात्रा का कितना कुछ प्रभाव पड़ा है। खैर, ये यात्रा का ये प्रभाव तो जरूर पड़ा है कि जनाधार सड़कों पर नजर आ रहा है, पर जनाधार वोट बैंक में तब्दील होगा कि नहीं होगा, ये भी अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है और इसका उत्तर हमको आने वाले 9 विधानसभा चुनाव में और निकाय चुनाव में और 24 के आम चुनाव में पता चल जाएगा। बहुत समय बाकी नहीं है, महज 1.25 साल का समय बाकी है अब 2024 के चुनाव को लेकर। और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यहाँ ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने तमाम लोगों को न्योता भेजा था, न्योता बोलेंगे, निमंत्रण बोलेंगे शामिल होने के लिए, जहाँ पर अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है उन्होंने उनको सहानुभूति दी, उनको शुभकामनाएं दी और कहा कि आप मेहनत कर रहे हैं और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। खैर, और दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उनको शुभकामनाएं दी, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी उनके स्वागत करने पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट है, यात्रा भले कोई भी हो, फिलहाल यहाँ पर इस यात्रा के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, लेटर के माध्यम से विपक्ष 2024 के लिए लामबंद होता नजर आ रहा है। कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे PSU खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। जैसे इन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहाँ खड़े एक एक यूपी के कार्यकर्ता, एक एक देशवासी को कहना चाहती हूँ, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, दरअसल जो जनता का जन समर्थन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में श्री राहुल गांधी जी के इस अभियान को, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। आज उनकी हताशा है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ रहा है, जनता का जन समर्थन मिल रहा है, जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी जी लगातार आवाज उठा रहे हैं, उन सवालों के जवाब नहीं है बीजेपी के पास, इसीलिए वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में उनको एहसास हो जाएगा। यात्रा को अगर कोई ये बताने का कोशिश कर रहा है
कि भारत कहाँ टूटा है जो जोड़ने की बात की जा रही है, उन लोगों से ज़रूर ये सवाल है कि भारत की तमाम संस्कृतियों, धर्मों, जातियों में कितना विभेद पैदा किया गया है पिछले 8-9 सालों में, और एक नफरत की राजनीति की गई, नफरत करके लोगों को आपस में बांटने का काम किया गया। हमको वो दौर याद है कि अगर कोई व्यक्ति सब्जी बेच रहा है तो उसकी जाति पूछ के उसको कॉलोनी में घुसने की बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की। ये सारी चीज़ें बड़े उदाहरण हैं, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव किया गया है, और ये सारी चीज़ें होना मेरे ख्याल से ऐसे देश में ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे तमाम संस्कृतियाँ हैं। इसके लिए राहुल गांधी जी को समाजवादी पार्टी शुभकामनाएं देती है, और उनकी यात्रा मंगलमय हो, वो अपने उद्देश्य को पूर्ण करे, ऐसा समाजवादी पार्टी ईश्वर से प्रार्थना करती है। चर्चा पर बात करना भी बहुत आवश्यक है कि इतनी बड़ी यात्रा करके आ रहे हैं और 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है, 150 दिनों की यात्रा है, 7 सितंबर को शुरू हुई थी। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। हमारे साथ केसी जैन भाई, भारतीय जनता पार्टी पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में उनके फायर बैंड प्रवक्ता अजय चंद्र चौबे पर पक्ष रखेंगे, विवेक पांडे भाई समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, आमिर साबरी भाई वरिष्ठ पत्रकार पर पक्ष रखेंगे, और सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी के बड़े ही कद्दावर प्रवक्ताओं में एक है, वो अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर चर्चा पहली बार अजय चंद्र चौबे से करेंगे। चौबे जी भाई, यात्रा यहाँ पर हो गई है और निश्चित रूप से 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है और अपने 9वें राज्य में आज शुरुआत हो गई है, 10 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश से यात्रा गुजरनी है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में यहाँ पर यात्रा कर रहा है और कांग्रेसियों के अंदर उत्साह जगाते नजर आ रहे हैं, पर जो जनाधार रोड पर नजर आ रहा है ये वोट बैंक पर तब्दील होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी प्रियंका गांधी वाड्रा जब लड़की हुई लड़ सकती हुई के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में आई थी, चुनाव लड़ा था, तो भीड़ उस समय भी थी, पर शायद वो भीड़ वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाई थी। कैसे देखते हैं आप उस यात्रा को, कैसे देखते हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप डाटा उठा के देख लीजिए, पिछले 4 वर्षों में 138 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। अच्छा, नफरत का ऐसा माहौल बना दिया है पूरे देश में। अच्छा, कि जी नहीं पा रहा इंसान है, नहीं, पत्रकारों को डर लगता है। अच्छा, निष्पक्ष आवाज उठाने वालों के चैनल को खरीद लिया जाता है। अच्छा, अगर कोई कहीं सत्ता पक्ष की आलोचना करे तो उसके ऊपर सड़क चौराहे या कहीं भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं करा दी जाती हैं। हाँ, आज लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी के लोग कराते हैं। अच्छा, उनके सोशल मीडिया के जो देखते हैं अमित मालवीय जी, वो पूरे जिले में सोशल मीडिया में हिस्ट्री सीटरों की भर्ती कर रखे हैं। अच्छा, और उनको वेतन इसीलिए देते हैं कि अगर कोई फेसबुक पे, ट्विटर पे अगर लिखता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो उस पे हमला करो। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी और सरकार का पूरी तरह से मॉब लिंचिंग करने वालों को पूरा समर्थन हासिल है। ऐसे लोगों को आज तक न ईडी सीबीआई राह खोज नहीं पाती है कि ये मॉब लिंचिंग करने वाले कौन लोग हैं, जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए वैसे लोग सदन और संसद में पहुंच जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे माहौल में माननीय राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनमानस में आपसी सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत, प्यार की भावना को प्रबल करने के लिए, उनके बीच के आपसी मनमुटाव को खत्म करने के लिए उन्होंने राजनीति छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ किया है। अच्छा, जिसको मैं एक शेर के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ओट खोलो तो मीठी बोली हो, जैसे मिश्री की डली खोली हो, आओ हम तुम गले मिले ऐसे जैसे हमारी ईद तुम्हारी होली हो। अच्छा, यही हिंदुस्तान की परंपरा रही है, यही हिंदू धर्म की भी विरासत रही है। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की भावना के अलावा अगर हिंदू धर्म की कोई और भावना हो तो बता दें, इतिहास गवाह है। भारतवर्ष में 149 हिंदू धर्म की यात्रा है क्या? 149 करोड़ लोगों को
149 करोड़ लोगों को माननीय राहुल गांधी जी अपना परिवार मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो केवल भाजपा और संघ के लोगों को ही अपना परिवार मानते हैं और वो अडानी और अंबानी जी को ही अपना किसान मानते हैं। हिंदुस्तान के 149 करोड़ लोगों का जो निवाला है वो छीन के अडानी और अंबानी जी को दे देते हैं। आज हिंदुस्तान की तस्वीर ये है कि कोरोना जैसी महामारी में जो अकुशल मजदूर हैं उनको 10,000 वर्ष लगेंगे जितना अडानी जी पर घंटे उनकी इनकम पड़ी है। अच्छा, ये है हिंदुस्तान की भयावह। अनाज नहीं मिला है क्या? 2014 में जी हिंदुस्तान में भुखमरी, हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व में भुखमरी के इंडेक्स में, मतलब नंबर पे था, लेकिन ये नफरत फैलाते जा रहे हैं, देश की जनता को लूटते जा रहे हैं और अडानी अंबानी अम्बी छोड़ दीजिए हिंदुस्तान छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए कौन सा इंडेक्स कौन बनाता है मुझे पता है, वो आंकड़ा छोड़ दीजिए, उस इंडेक्स की बात मत करिए, बोलिए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान की जनता का जन समर्थन राहुल गांधी जी के साथ है। अच्छा। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो कहा है और राहुल गांधी जी ने कि हजारों करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी सिर्फ राहुल गांधी जी की छवि खराब करने में लगा देते हैं और 32,000 करोड़ रुपया सिर्फ अपनी छवि की ब्रांडिंग करने में लगा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो खेल आप कर रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी हारने वाले लीडर नहीं हैं, वो जिताऊ लीडर हैं। हारने वाले लीडर आप हैं। आप जनता के वोट को खरीदने वाले लीडर हैं और माननीय राहुल गांधी जी जन विश्वास हासिल करने वाले लीडर हैं, जिसका उदाहरण है। नहीं, मेरी सर बात पूरी हो जाने दीजिए कि माननीय राहुल गांधी जी के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव हारी थी, कर्नाटक का चुनाव हारी थी, महाराष्ट्र का चुनाव हारी थी, गोवा में चुनाव हारी थी, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, केरल में हारी, पांडिचेरी में हारी, आसाम में हारी, मेघालय में हारी। आप तो सिर्फ आपका भला हो रहा है, कुछ बीजेपी है कहां नेताओं के भरोसे से। आप तो विधायक खरीद के सरकार में हो प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में कहीं कोई धार नहीं चल रही है, कहीं कोई जनता का समर्थन नहीं हासिल है। आप सिर्फ खरीद के टिकाऊ मीडिया के दम पे अपनी ब्रांड, मीडिया पे काम मत करिए भाई, मीडिया जो दिखा रही है आपको, कुछ मीडिया उसमें आप स्वयं देख रहे हैं क्या? कुछ मीडिया के लोग आप स्वयं देख रहे हैं क्या? मीडिया ही दिखा रही है आपको। मीडिया पे ना ना मीडिया पे कमेंट बोलिए, ये मीडिया पे कमेंट बोलिए, ये मीडिया पे आप मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं। मैंने स्वयं उनकी उसकी यात्रा की तारीफ की है। उसमें एक आध दो लोग ईमानदार है, लेकिन बाकी जो स्थिति है आज देश की, मेरा क्या मीडिया ने प्रधानमंत्री जी से कभी यह सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी आपको वो जो किसान धरने पे बैठे थे उनको ठंड लगी कि नहीं? इस पे क्वेश्चन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल जी के टी शर्ट पे क्वेश्चन करते हैं, जूते पे क्वेश्चन करते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी के सूट और बूट पे किसी को क्वेश्चन करने की हिम्मत हुई? अच्छा, आप कह रहे हैं मीडिया बिकाऊ नहीं तो क्या है? बताइए नीतीश, बताइए रमेश कुमार जी का आवाज़, ये खरीद नहीं पाए चैनल को खरीद। जब महंगाई बढ़ती है तो जब यूपीए सरकार थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठी थी, आपके कोई क्यों नहीं बैठता है? आप लोग क्यों रोड पे नहीं आते हो? आप लोग क्यों संघर्ष करना नहीं जानते हो? संघर्ष आप करोगे नहीं, काम आप करोगे नहीं, जनता भी जाओगे नहीं, और ठीक रहा मीडिया बोलो ना, नहीं मीडिया में ठीक रहा नहीं बोलेगा, ये परस्पर पत्रकारों के बीच में कोई समस्या रही हो, चाहे वो भट्टा परसौर का रहा हो, मंदसौर का रहा हो, लखीमपुर की घटना रही हो, चौबे जी चौबे जी मेरा सवाल सुनिए, चौबे जी संघर्ष की है, ये आक्षेप आप कांग्रेस पार्टी पे नहीं लगा सकते कि कांग्रेस पार्टी संघर्ष। मेरा सवाल रहेगा, उसके बाद किसी भाई को लेता हूँ, एक सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि बीजेपी ने 10,000 रुपए खर्च किया राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, कैसे छवि खराब की गई थोड़ा उसका भी हवाला दे लीजिए मेरे को।
भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया की टीम बनी है और उसमें लाखों लाख रुपए पे कुछ गुमराह नौजवानों को भर्ती कर रखा है, उनको सैलरी देते हैं, जैसे कि अंग्रेज कुछ भारतीयों को भर्ती कर लिया करते थे अपने सेना में, हिंदुस्तानियों पे अत्याचार जुल्म ढाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए, और उनका काम ही है फर्जी फेसबुक अकाउंट बना के, फर्जी ट्विटर अकाउंट बना के सिर्फ राहुल गांधी जी को और कांग्रेसियों को लिखते रहना, देश को गुमराह करना, ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? अच्छा चलिए, निश्चित तौर पे इसका लाभ प्रधानमंत्री, कैसी भाई जवाब दे, मैं जवाब नहीं दूं कैसी भाई, अजय सर की पूरी बात सुनिए, काफी भावनाओं में बह गए हैं, नाराज भी है, मीडिया पे भी ठीकरा फोड़ा है, आप जवाब दीजिए भाई जी। देखिए गौरव जी, लग रहा था कि चौबे जी मंच से पूरा भाषण दे रहे हैं जी, और उन्होंने एक बात बात में एक सवाल किया जी कि भारत आज भुखमरी के किस इंडेक्स पर है जी। तो देखिए ये अनर्गल बातें हैं, जब पिछले तीन सालों से जी। लगातार भारत देश की 80 करोड़ आबादी को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हो रहा है और उन्हीं परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था भी दी जा रही है, उन्हीं परिवारों को उन्हीं गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, उन्हीं गरीब परिवारों के लिए वृद्धा पेंशन योजना है, और जिन किसानों की बात अभी ये कर रहे थे, जो दूसरा प्रश्न उठाया अभी कांग्रेस के साथी ने, तो 12,000 किसान जी 10 वर्षों तक लगातार जी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे जी, प्रति वर्ष 12,000 किसान सुसाइड करता रहा जी, वो ठंड से नहीं मर रहा था, वो गर्मी से नहीं मर रहा था, वो भुखमरी से मर रहा था। अच्छा। और वो भुखमरी से मरने के बजाय उसने आत्महत्या करना ज्यादा अच्छा पसंद किया जी। आज वो स्थितियां नहीं है देश में जी। आज किसानों के खातों में 6,000 रुपए डायरेक्ट पहुंच रहा है, उसमें कोई लूप होल नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा कि राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे किसानों तक पहुंचता है, गरीबों तक पहुंचता है, कोई लूप होल नहीं, 6,000 भेजा, पूरा की पूरा 6,000 रुपया सीधे अकाउंट में आ रहा है। अच्छा। तो वो चाहे मनरेगा के द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना हो गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, या किसानों के अकाउंट में पैसा भेजना हो, या किसानों की समस्याओं को आवास को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश में ही 5,00,000 आवास तो केवल उत्तर प्रदेश की जनता को दिए गए, और तमाम सारी योजनाएं खाद्यान्न से लेकर के मुफ्त चिकित्सा से लेकर के आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 5,00,000 रुपए तक का चिकित्सा बीमा है, 5,00,000 रुपए तक का वो चिकित्सा फ्री करवा सकते हैं, बहुत सारी योजनाएं, तो ये सारे काम किए गए और पूरे देश में इस तरीके के काम किए गए। जी। रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो देखिए आप घबरा गए क्या? निकले हैं बीजेपी घबरा गई है भारत और से। नहीं नहीं हम वही बता रहे हैं। देखिए अभी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जी लगी हुई हैं, और अभी आपने जब सवाल किया कि प्रियंका गांधी जी भी इसी तरीके से रैलियां करती थी, भीड़ होती थी, और उसके बाद में 2 सीटें भी आप उत्तर प्रदेश में नहीं ला पाए, क्यों नहीं ला पाए, उसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं था, केवल भाषणबाजी थी। देखिए जो ये कह रहे हैं जीत रहे हार रहे हैं, दरअसल विधायकों को खरीद करके या सेटिंग करके सरकार बनाने की जो इनकी लगातार रणनीति कांग्रेस की रही, अच्छा। वही चीज इनको दिखाई देती है। अच्छा। जब कांग्रेस की सरकार आई और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय देश भर में जितने भी राज्यपाल थे सबसे जबरन इस्तीफा ले लिया गया था, जबरन इस्तीफा, या फिर उनको हटा दिया गया जिन्होंने इस्तीफा देने नहीं तैयार हुए, तो राज्यपाल जो एक गैर राजनीतिक पद है, एक संवैधानिक पद है, उस पे कांग्रेस ने जो ही सरकार बदली, जो ही अटल जी की सरकार जाती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तब इन्होंने सारे के सारे राज्यपालों तक को हटा दिया, अपने राज्यपाल हटाए, तो राज्यपालों को रबर स्टंप बनाने का काम कांग्रेस ने किया, और जोड़ तोड़ की राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया, और रही बात तोड़ने की, जब धारा 370 हटने की बात आई तब कांग्रेस कहां थी, कांग्रेस क्या साथ में आई, कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है, कांग्रेस विरोध करती है, कांग्रेस कहती नहीं धारा 370 फिर से लागू होगी जम्मू कश्मीर में, हम आ जाएंगे, तो तोड़ने का काम कौन कर रहा है, एक राष्ट्र एक झंडा एक नीति ये लाने का काम किसने किया, माननीय मोदी जी ने किया, भारत देश की सरकार ने करके इसको दिखाया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो जो भारत टूट रहा था उसको तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम तो माननीय मोदी जी ने किया, और कितना भेदभाव इन्होंने फैलाया, जब अगर कहीं पर भी किसी भी मीटिंग में कहीं पर भी अगर जय श्री राम के नारे लग जाएं तो सांप्रदायिक हो जाता है, और रोजा इफ्तार पार्टियां हो वो गैर सांप्रदायिक हो जाती हैं,
तो इस तरीके का काम किसने किया? साथ ही साथ जो जहां जहां पे जब जब कांग्रेस की सरकारें रही तब तब कांवर यात्रा नहीं निकल सकती थी। अगर कांवर यात्रा निकलती थी तो उस पे हमले होते थे, हमले होते थे और उन हमलों का कोई विरोध नहीं होता था। उन हमला करने वालों कांवर यात्रियों पे जो हमला करते थे उनपे कोई मुकदमा नहीं दर्ज होता था। आज देखिए शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश में कांवर यात्रा हो रही है और अपराधी वो चाहे जो अपराधी हो, अगर अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उनकी संपत्तियां जब्त हो रही है। आज भी एक समाजवादी पार्टी के एक नेता जो करीब 250 करोड़ रुपए की जमीनों को अवैध रूप से कब्जा कर रखा था झांसी में, उनकी जमीन को आज मुक्त कराया गया है, जमीन वो जब्त हुई है। 250 करोड़ रुपए की संपत्ति, सरकारी संपत्ति। तो जो लोग इस तरीके का कार्य करते थे कांग्रेस हमेशा उनका साथ दे रही थी। 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मात्र केवल मुख्तार अंसारी की अब तक जब्त हो चुकी है। अतीक अहमद की इसी तरीके से 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। अब भी उनके पास 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी उनके पास मौजूद है। इतनी संपत्तियां कहां से आई, कौन सा बिजनेस करते थे? तो जो कहते हैं उद्योगपतियों की बात जो करते हैं, उद्योगपति तो टैक्स दे रहा है, नंबर एक में काम कर रहा है, आप उनको तो छोड़िए, इन अपराधियों को पाल पोसने का काम कौन कर रही थी? यही केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यही इनको पाल पोस रहे थे। अच्छा। और बाहर से समाजवादी पार्टी और बहन जी दोनों इसी कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। अच्छा। तो कम से कम लाइन ऑर्डर व्यवस्था मेंटेन रहे, जो आम जनता है, आम जनता की भी कुछ सुनी जाए। और एक चीज मैं बता दूं, जिस भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस कहती थी कि पूरा विपक्ष हमारे साथ आ गया, अरे क्या ममता जी आपके साथ दिखाई दी, क्या नीतीश जी आपके साथ दिखाई दिए, क्या तेजस्वी जी आपके साथ दिखाई दिए, और तो और उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, कह रहे थे पूरा उत्तर प्रदेश हमारे साथ है, विपक्ष हमारे साथ है और प्रधानमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। एक तरफ ये कह रहे नहीं, नहीं, ये राजनीति की बात नहीं है, ये चुनाव की बात नहीं है। अरे क्या जोड़ दिया आपने, क्या जोड़ दिया जी, कितने स्क्वायर फुट जमीन भारत देश की बढ़ा दी, कितने हजार स्क्वायर फुट जमीन आपने कब्जा कर ली, कहां पे क्या जोड़ दिया जी? आप तो तोड़ने का काम करते रहे, धारा 370 का विरोध आपने किया, सीए का आपने विरोध किया, सीए के विरोध में दिल्ली में क्या कुछ हुआ किसने नहीं देखा? आज सीए लागू है, कौन सा देश से नागरिक बाहर चले गए, कौन सा मुसलमानों को खदेड़ के बाहर खदेड़ दिया? आप डर और भय पैदा करते हैं, डर और भय पैदा करके लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जोड़ने का काम किया है, धारा 370 समाप्त करके आपने जोड़ा नहीं। और अखिलेश यादव ने साफ साफ मना कर दिया साथ में आने के लिए। अच्छा। बहन जी ने मना कर दिया साफ साफ आने के लिए। उत्तर प्रदेश में आपकी रैली कहां पे सफल हुई, कहां पे विपक्ष आपके साथ आ गया? वही गिरे चुने लोग सब जगह पे साथ साथ चल रहे, कहीं किसी प्रदेश से अतिरिक्त एक भी आदमी नहीं जा रहा, वही गिरे चुने लोग, वही तस्वीरें, वही फोटो, आप पूरा के पूरा वीडियो लॉन्च करके देख लीजिए, लॉन्च करके आप देखेंगे, जूम करके देखेंगे, वही इतने ही लोग इनके साथ चल रहे, कोई भीड़ भी नहीं हो रही है। हम तो ये समझ रहे थे अभी तक कम से कम भीड़ आ रही है, वोट पे बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन भीड़ भीड़ के साथ नहीं है। अच्छा। वही वही सब जगह पे, वही चाहे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इतने ही लोग हैं जो इनके साथ चल रहे हैं, बाकी कोई भीड़ भी नहीं आ रही। एक तरीके से ये यात्रा फ्लॉप है, डरने की जरूरत कांग्रेस को है, भाजपा को नहीं, क्योंकि इनके साथ कोई भी विपक्ष का नेता साथ में नहीं आया। विवेक भाई, भाई यहाँ पर अखिलेश यादव ने पत्र लिखकर यहाँ पर शुभकामनाएं दे रही थी और आज जरूर राष्ट्रीय लोकदल ने वहां पर स्वागत किया है, कैसे देखते हैं इस यात्रा को और क्या लगता है क्या कुछ अलग परिवर्तन कर सकेगी? और जिस तरह से बोल रहा है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, आपका सोचना क्या है? जी भाई, यहां पर अखिलेश यादव ने शुभकामनाओं के साथ दिल्ली की का भी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जिसमें भाजपा का एक नेता भी शामिल रहा, उसका नाम आया है सामने जी। और कहीं ना कहीं ये सारा विषय जो था इतनी देर से मैं सुन रहा था, केसी जैन जी भाजपा के अच्छे प्रवक्ता है, बड़े भाई हमारे मार्गदर्शक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सरकार हटाया स्क्रिप्ट जो है, जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता पेश करने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है भाजपा का मीडिया में वायरल भी है, आदित्य सिंह ने करोड़ों की जमीन कब्जा करवाई है, अधिकारियों के साथ मिली भगत और पीड़िता की सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता केसी जैन जी के अंदर इतनी हिम्मत है या योगी आदित्यनाथ जी के योगी जी के अंदर इतनी हिम्मत है कि बुलडोजर भेज करके
अदिति सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई करवा ले। अच्छा, ये तो उदाहरण मात्र है। बहरहाल मैं मुद्दे और विषय पे आता हूँ, क्योंकि मुद्दा जो था ये पूरा भड़का दिया इन लोगों ने, इस तरीके से इतिहास भूगोल पढ़ने लगे। देखिए गौरव भाई, इस देश में आज तक 5 पदयात्राएं हुई जो कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है जी। और आपको इस बात को इसलिए समझना पड़ेगा जी, चंद्रशेखर के ने 1983 में इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध 4200 किलोमीटर की पदयात्रा की और वो कहीं ना कहीं वापस स्थापित होने में सफल रहे। चंद्रशेखर रेड्डी ने 2003 में कांग्रेस नेता थे आंध्र प्रदेश के, जिन्होंने प्रजा प्रसादन नाम की पदयात्रा की और कहीं ना कहीं 2 महीने की पदयात्रा ने उन्हें पुनः राजनीति में स्थापित करने का काम किया। इसी क्रम में चंद्रबाबू नायडू 2014 में पदयात्रा करते हैं वाई एस रेड्डी के विरुद्ध उसी नीति को अपनाते हुए, और 13-14 में 208 दिन की 2800 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और उन्होंने हवा का रुख पलट किया, चंद्रबाबू नायडू को राजनीति में पुनः स्थापित किया। इसी क्रम में वाई एस जगन मोहन रेड्डी जो कि RCP नाम से अपनी पार्टी बनाते हैं और उन्होंने 3648 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा 341 दिन में की और पुनः राजनीति में स्थापित होने में सफल है। और एक कारण देता हूं, जैसे दिग्विजय सिंह जी 2017 में जिन्होंने नर्मदा किनारे 3500 किलोमीटर की 6 महीने की पदयात्रा की और कहीं ना कहीं कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम भाई, आपकी आवाज भाई डिस्टर्ब आ रही है जी। 2017 में जिन्होंने नर्मदा किनारे 3500 किलोमीटर 6 महीने की पदयात्रा की और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आपकी आवाज डबल डबल आ रही है भाई, आपकी आवाज सही करी जाए, बोलिए। मुझे लगता है मेरी आवाज सही आ रही है। हाँ ठीक है, बोलिए भैया, बोलिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो पदयात्राओं का दौर था, इस देश की 5 ज्वलंत पदयात्राएं जिनका मैंने उदाहरण कोट किया जी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात की पदयात्राओं से होता क्या, पदयात्राओं से होता यह है कि कहीं ना कहीं आप भारत की संस्कृति, भारत की जनता, भारत की समस्या, भारत का गरीब, भारत का मजदूर, भारत का श्रमिक, उन लोगों के बीच में जब आप जाते हैं, क्या लगता है यात्रा को प्रभाव करेगी? जुड़ते हैं विवेक भाई जी? यात्रा को बदलाव करने जा रही है कि यात्रा किसी को कुछ नहीं होना है, फ्लॉप है यात्रा बोल रहा है। उनका धर्म है। अच्छा, किसी भाजपा के प्रवक्ता उनका धर्म है, पार्टी का डिफेंड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं होना है तो क्यों भाजपा के नेता सुबह उठते ही सबसे पहले भारत बचाओ यात्रा के विरुद्ध लिखना शुरू कर देते हैं? अच्छा, प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं, जवाब कैसे जवाब दूंगा आपसे? नहीं, क्या 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 श्री अखिलेश यादव जी ने प्रधानमंत्री मान लिया राहुल गांधी जी को? क्या मुझे लगता है ये यात्राएं जो होती है ना, ये राजनीतिक विषयों से ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना से हटकर और कहीं ना कहीं विषयों को मजबूती और बल प्रदान करते हुए उद्देश्य को सार्थक करने से जुड़ी होती है। क्योंकि जो उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हालांकि बाद में सबको गिरफ्तार करके इको गार्डन ले जाया गया था। खैर, आप लोग भी यात्रा निकालते रहते हैं, कैसे देखते इस यात्रा को? क्योंकि गुजरात में भी आप बड़ी मजबूती चुनाव लड़े और कांग्रेस को बड़ा नुकसान दिया आपने, 13% वोट बैंक लेकर वहां पर आए और 5 सीटें जीती, राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त किया। किस तरह देखते हैं यात्रा को? जैसे विवेक भाई बता रहे हैं कि बदला होगा, क्या आपको निमंत्रण मिला कि नहीं मिला, या आप कांग्रेस से अपने आप को प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं? जी, गालिब साहब ने बड़ा अच्छा शेर गाया था। क्या बात है, से बोलिए भाई। मुझे दुनिया की ईद से क्या वास्ता गालिब, मेरा चांद दिख जाए मेरी ईद हो जाए। अच्छा, क्या बात। तो भारत जोड़ो यात्रा निकली हो या बीजेपी की रथ यात्रा निकली हो या जो भी यात्रा निकली हो, उससे जनता चाहती है, उससे देखना चाहती है उसको क्या फायदा हुआ। अच्छा, जो राहुल गांधी जी की यात्रा निकल रही है, ये कांग्रेस का अपना डिसीजन है। हर पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो यात्रा निकाले, लोगों को जोड़े, अपने आप की राजनीति पृष्ठभूमि में मजबूत बनाए, ये उनका निर्णय है। वो जब चाहे निकाले, जहाँ चाहे रोक दें, जहाँ चाहे मोड़ दें, वो उनके निर्णय। उसके अंदर जाने से मैं नहीं जानना चाहता हूँ, बस ही जानना चाहता हूँ। इस वक्त देश बहुत पीड़ा से गुजर रहा है, बहुत परेशानी से गुजर रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है,
और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं है। अच्छा। 40 करोड़ लोगों ने भारत के अंदर अपना रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है, नौकरी ढूंढना बंद कर दी है। बीजेपी कहती थी 2 करोड़ लोगों, बीजेपी आप क्यों हमलावर हो जाते हैं? बीजेपी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों देश का समय बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, एक और वो उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं जो जनता से जुड़ी मुद्दे हैं। अच्छा, क्या राहुल गांधी की यात्रा निकालने से महंगाई कंट्रोल हो गई? अच्छा, क्या राहुल गांधी की यात्रा निकालते थे जीएसटी जो सरकार कह रही है टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, क्या सरकार टैक्स कम करने की कोशिश बात कर रही है? अच्छा, क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल भी आ रहा है? क्या एजुकेशन के ऊपर लगातार जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जो स्कूलों की फीस बढ़ाई जा रही है वो कम हो रही है? क्या एक चीज, एक राहत मिली है राहुल गांधी की यात्रा से देशवासियों को सिवाय राहुल गांधी के? अच्छा। और ये राहुल गांधी की यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस छोड़ो यात्रा है, ये यात्रा बड़ा कंफ्यूज है क्योंकि लोग लगातार कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं और कांग्रेस छोटी होती चली जा रही है। अच्छा, तो ये इसीलिए बीजेपी और राहुल गांधी दोनों जो है जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी जैसे चुनाव जीत रही है, सबको पता कैसे चुनाव जीत रही है? अच्छा, बीजेपी अपनी हर कामयाबी, बीजेपी अपनी हर कामयाबी को ढक लेती है कि हम तो वहां चुनाव जीत गए। अच्छा, तो चुनाव जीतने की चादर से वो हर अपनी नाकामयाबी को ढक लेते हैं। अच्छा, इतनी बेरोजगारी बढ़ी कहते हम तो चुनाव जीत रहे हैं, महंगाई बढ़ी कहते हम तो चुनाव जीत रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्चार हो रहा है कहते हम तो चुनाव जीत गए। अच्छा। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ है जो निर्भया से बड़ा प्रकरण है, जिसमें एक महिला के साथ 1 जनवरी के दिन, जिसने पूरा देश नए साल का मना रहा था, उसके साथ एक बिलहरो गाड़ी में रात भर बलात्कार हुआ, फिर उसको गाड़ी से फेंका गया, उसका पैर फंस गया गाड़ी में और गाड़ी 8 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर की स्पीड से चलती रही, उस बच्ची की खाल उधड़ गई, उसकी पसलियां निकल आई, उसका शरीर छिन्नभिन्न हो गया, उसमें कौन पाया गया? बीजेपी के मनोज मित्तल भाई पाए गए, जो बीजेपी के भाजपा के संयोजक हैं। अच्छा, वार्ड 42 से, और उनको बचाने के में पूरा प्रशासन लग गया, पुलिस उनको बचा रही है, पुलिस को जो अवरेश पुलिस अधिकारी बचा रहे हैं, एसपी बचा रहे हैं, और उनको जो राज्यपाल बता रहे हैं बचा रहे हैं, राज्यपाल को गवर्नर बचा रहे हैं। अच्छा, कितना शर्मनाक है कि नए साल के दिन एक महिला के साथ, बच्ची के साथ ऐसा हुआ, और बीजेपी उस आरोपी को पकड़ नहीं रही है, बीजेपी उस आरोपी को जेल नहीं भेज रही है, मीडिया को डांट रही है, फटकार रही है, निकाल रही है और खबरदार कर रही है कि खबरदार ये मत कहना, ये बिल्कुल कर रही है। सौरभ भारद्वाज लगातार लगे हुए, स्वाति मालियाल ने लगातार बात उठाई है, और हम इस मुद्दे को, हम इस मुद्दे उठाई जाती है, हम इस मुद्दे पे पूरे दिल्ली के अंदर आंदोलन करेंगे और इस मुद्दे को प्रदेश लेवल पर उठाएंगे और देश में उठाएंगे। अच्छा। ये निर्भया से बड़ा कांड है। अच्छा। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अच्छा, इसलिए इनको बचाया जा रहा है, अच्छा, इनकी आवाज उठाई जा रही है, दूसरे मुद्दे पर बोला जा रहा है, कौन इस पे बात हो रही है? क्यों प्रियंका गांधी इस मुद्दे को नहीं उठा रही है प्रॉपरली? क्यों नहीं धरना दे रही? क्यों नहीं बैठ रही है? ये महिला से जुड़ा मामला है, कहां चले गए इनके बीजेपी के वो लोग, नेता जो निर्भया कांड में जो महिलाएं आ गई थी, कहां गई वो? भूल गई होगी, वो बैठ गई घर के अंदर जाके। ये महिलाओं का मामला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, बेशरम लोगों से, हाँ। कि अगर आपके घर की महिला इस तरह से इन्वॉल्व होती तो आप चुपचाप बैठते? अगर आपको महिलाओं का सम्मान है तो अपने पदों से त्याग पत्र दे दिए। बीजेपी के लोग इसमें इन्वॉल्व है, किसी जन से आप पद छोड़ दें? ऐसी बीजेपी के साथ नहीं हो सकते जो महिलाओं के बेचारों बचाने में लगी हुई है। ठीक है, ठीक है। क्या सिर्फ अफसोस जाहिर करने से, क्या सिर्फ बोलने से क्या हो जाता है? तो इन लोगों को जेल के पीछे भेजा जा रहा है, पूरे देश में रोष है इस घटना को लेके, पूरा नया साल शहर में डूब गया है, पूरे दुनिया में बात हो रही है, इतना घटिया कांड हुआ दिल्ली में, देश की राजधानी के अंदर, और उसके अंदर सरकार, अरे वहां पुलिस तो आपके राज्यपाल के अंडर में है, आप सामने तो सीसीटीवी कैमरे में दिखाया कि हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लगाए हुए कैमरों से फुट निकली है, इसके अंदर सच्चाई सामने आई है, आप तो पर्दा डाल रहे हैं, आप तो गवाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो गवाहों को धमकियां दी है, आपने कहा खबरदार है, किसी ने बताया ये रेप हुआ है, एक्सीडेंट का मामला है, एक्सीडेंट का मामला कैसे हो गया? उस लड़की बच्ची के ऊपर एक कपड़ा नहीं था, शर्मनाक है बीजेपी के लिए, शर्मनाक है बीजेपी के लिए, बीजेपी के लोगों को इस्तीफा देने के ऊपर, शर्मनाक है गवर्नर के लिए, बीजेपी के लोग प्रशासन, वरिष्ठ अधिकारी, राज्यपाल, गृह मंत्रालय, उसे बलात्कारी को बचाने में पूरे देश में लगाया जा रहा है, उसको
उसको पकड़ा नहीं जा रहा है, गिरफ्तार उसको फौरन कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, यही पुलिस फांसी की सजा होनी चाहिए। बच गई थी ये दिल्ली सरकार से मिली है, काम लेती है, बनेंगे टुकड़े टुकड़े हो गए, इसका चौबारा घिसा है दीवारों सड़क के ऊपर, अरे ये इसका खून ये सड़कों पर लगा, बीजेपी के चेहरे पर लगा है, दिल्ली पुलिस सुनते हैं बीजेपी का चेहरा सट गया इस बच्ची के खून से, बीजेपी को शांति, बीजेपी को सुरक्षा के ऊपर की जिम्मेदारी, बीजेपी को लोगों का प्यार है, हमारे साथ आमिर साहब भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, आमिर साहब जी अंदर तो केजरीवाल महिलाओं के लिए पति इस्तीफा दे दिया अपना छोड़ ना बोला इस तरह का बहुत बड़ा महिलाओं के साथ, ये महिला दुर्गा वाहिनी है, ये महिला काली है, ये महिला सरस्वती है, ये महिला लक्ष्मी है, ये महिला देवी है, महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, महिलाओं का क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या सीखा हमने, बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने चर्चा में शामिल किया। देखिए यात्राएं तो इससे पहले ही बहुत हुई हैं, जैसा कि हमारे सपा प्रवक्ता ने बहुत लंबी एक लिस्ट आमिर भाई की आवाज नहीं मिलेगी, और इन यात्राओं इन आंदोलनों इन प्रदर्शनों से देश आजाद भी हुआ है जी। हेलो जी बोलिए आमिर भाई बोलिए। और आंदोलनों से प्रदर्शनों से यात्राओं से देश आजाद भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ हो रहा है, लेकिन हमें अफसोस ये है और बड़ा सवाल भी बनता है कि आखिर राहुल गांधी की यात्रा से इतनी बेचैनी क्यों है। देखिए ऐसा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन नहीं करे, आपने बताया भी है और सच बात भी है कि यही स्मृति ईरानी गले में प्याज की मालाएं डाल करके लौकिया हाथ में लेकर के प्रदर्शन करा करती थी, सिलेंडर सर पर उठा करके सर सिलेंडर के उठाती थी, पूरा देश सर उठा लेती थी, जहां प्रदर्शन करती थी वो क्षेत्र सर उठा लेती थी। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके से प्रदर्शन भी हुए, तमाम प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, और आज उसी आंदोलनों प्रदर्शनों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आई है जी। ये कोई नई बात नहीं है, अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो इससे परेशानी नहीं होना चाहिए। और जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का नाम है तो ठीक बात है, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने एक अच्छा नाम रखा है, वरना उन्हें नाम रखना चाहिए था दिल जोड़ो यात्रा। इतने दिल तोड़े हैं इस हिंदू मुस्लिम फीलिंग ने, इस हिंदू मुस्लिम डिबेटरों ने, इस हिंदू मुस्लिम की तमाम तरीके की जो राजनीति हो रही है गौरव जी, हम लोग एक पत्रकार की नजर से अगर देखें तो यकीनन इसमें कोई दुराई नहीं है कि वाकई बहुत लोगों को तकलीफें पहुंची हैं। भाई आप प्रचंड बहुमत में आ गए, आपने सत्ता का सुख अपना लिया, ले लिया, लेकिन कितनी हम लोगों में दूरियां हिंदू मुस्लिमों में पैदा हुई, ये भी एक सोचने प्रश्न है। और लास्ट सवाल, जैसे केसी जैन साहब अभी फरमा रहे थे कि अतीक का ये हुआ और मुख्तार अंसारी का ये हुआ, ठीक बात है,
हम माफियाओं अपराधियों का होना चाहिए, लेकिन गौरव जी बड़ा सवाल ये है, क्या सारे माफिया सारे अपराधी क्या विपक्ष में ही पाए जाते हैं? जो सत्ता पक्ष में ये सब क्लीन है, ये सब दूध के दूल्हे हैं, ये सब कहाँ के साधु संत हैं? आप बताइए, तमाम हत्यारे, तमाम बलात्कारी, तमाम अपराधी आज भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं, बड़े बड़े बिल्डर भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं और अवैध रूप से अपार्टमेंट्स के बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं, उन पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, बुलडोजर सिर्फ विपक्ष के लोगों को चल रहा है। तो गौरव भाई ये तो बिल्कुल न्याय तो नहीं हुआ है और ना ही हम न्याय कह सकते हैं इसको। हम और आप एक जर्नलिस्ट की अगर हैसियत से देखेंगे, एक पत्रकार की हैसियत देखेंगे तो गौरव जी ये यकीनन एक तरफा काम है और ये बार बार मुख्तार अंसारी और ठीक का नाम लेकर के मैसेज क्या करना चाहते हैं? नहीं, धारा 370 खत्म नहीं होनी चाहिए थी। ये काम गंदा क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को 6000 रुपए दे रहे हैं, ये हम गंदा काम कर रहे हैं? अगर हम 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं, ये गंदा काम कर रहे हैं? आप आंखों पर से चश्मा हटा दीजिए, ठीक है? आप प्रवक्ता हैं भाजपा के, चश्मा आप लगाए हुए हैं, चश्मा कांग्रेसी चश्मा आप उतार दीजिए। भाजपा आपको जब जो है रोजगार पार्टियां होती है तब जो है तब सांप्रदायिकता नहीं होती है, जय श्री राम के नारे लग जाए तब सांप्रदायिकता होती है। आपको हिंदू मुस्लिम समझ में आ रहा है? अरे खाद्यान्न किसको नहीं मिल रहा है? सबसे ज्यादा राशन तो मुस्लिम भाई ले रहे हैं हमारे, सबसे ज्यादा राशन 10-10 बच्चे हैं, 12-12 बच्चे हैं और सब राशन कार्ड बनवाए हुए, सब राशन ले रहे हैं। एक घर में 1 क्विंटल राशन जा रहा है, एक घर में 10 किलो राशन जा रहा है, ये लाभ कौन ले रहा है? ये मुस्लिम भाई ले रहे हैं हमारे लाभ। और उत्तर प्रदेश में आवास जो मिले प्रधानमंत्री आवास से, सबसे ज्यादा मुस्लिम भाइयों को मिले, कहां कोई खटपट है? कहां किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है? कहां हिंदू मुस्लिम हो रहा है? अरे मुजफ्फरनगर दंगे याद करिए, हिंदू मुस्लिम वहां हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगे में दंगा प्रदेश बन गया था उत्तर प्रदेश, दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, अब दंगे नहीं होते। आपको एहसानमंद होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए योगी जी की और मोदी जी की, अब दंगे नहीं हो रहे। दंगे होते थे, 150 अरब जनता को गुमराह करते हैं झूठ बोल करके। आप पूरा देश जान रहा है आपको कि आप कितना झूठ बोलते हैं, टीवी पे गुमराह करते हैं, एक कौम को चलाने लिए दूसरे कौम को गुमराह करते हैं। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पूरा देश अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, झूठ पेशी कर रखिए, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट जनता देती है, जनता एक आदमी भाई अगर भाई 140 कैसी भाई बोल रहा है कि आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उनको, मुझे पता है यात्रा को बहुत अच्छी बता रहे हैं, आमिर भाई हो गया, आमिर भाई हो गया, गुंडा भाई, आमिर भाई आपको तकलीफ हो रही है, आमिर भाई केसी भाई हो गया, बाकी जमान में भैया ऐसे नहीं करो, आप भी आपने बोलो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, आप लोग शांत रहिए प्लीज। अरे योगी आदित्यनाथ हत्या के केस है, चल ठीक है ठीक है, अरे केशव प्रसाद मौर्य को बलात्कार के केस दर्ज है, चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चौबे जी न्यायालय जाइए, चौबे जी न्यायालय जाइए, ठीक है चौबे जी, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, चौबे जी न्यायालय जाइए, यहाँ पर तकी भाई बोल रहे थे, राहुल गांधी भी जमानत पर है, बता दीजिए, आपके मुंह से नहीं निकलेगा, आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि राहुल गांधी भी जमानत पर है, केसी भाई प्रियंका गांधी, केसी भाई अमर भाई आप लोग हरा बना कर लीजिए, ऐसे नहीं होगा, मुझे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं होगा, बारी बारी बोले, बारी बारी अपराधी है, ये नहीं निकलेगा मुझे, आप डाउन करिए, दोनों लोग की दोनों की आप डाउन करिए, परेशान ना होइए, दोनों का डाउन करिए, बहुत देखिए आमिर भाई प्लीज। चौबे जी यहाँ पर हम जिस तरह देख रहे हैं कि तकी भाई बोल रहे थे कि भाई आप लोग बीजेपी से मिले हुए हैं और केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और जनता का माहौल बना रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां पर दिल्ली बैठी घटनाओं की बहाने गई, वहां पर भाषण दे रही है,
क्यों आरोप लगा रहा है आपको? अच्छा, मेरा ये सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई की रेड से डर गए क्या? अच्छा, निर्भया से बड़ा कांड हुआ है क्या? दिल्ली में इनके मुख्यमंत्री जी धरने पे बैठे, इनके मंत्री धरने पे बैठे, सबसे ज्यादा आवाज हमारी तो यात्रा चल रही है। एक मिनट, मुझे अपनी बात आप कह लेने दीजिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी। आम आदमी पार्टी के लोग, तब लोकपाल की भी बात करते थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी। अच्छा, क्या आम आदमी पार्टी के लोगों को 10 साल में लोकपाल की कभी याद आई? भूल गए होंगे। रह गई बात, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को याद दिला दूं। ये है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत लेटर, कुलसचिव महोदय द्वारा 28/7/2022 को उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, पर्यटन डिपार्टमेंट, होटल मैनेजमेंट, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, वहां के प्रोफेसर प्रतीक अग्रवाल वहां एक शोध छात्रा के रूम में घुस के उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये वही कमेटी बनी है, केवल निलंबन हुआ है। और राजभवन से लेके मुख्यमंत्री से लेके कुलपति से लेके रजिस्ट्रार तक बचा रहे ऐसे बलात्कारी का घर क्यों नहीं गिराया गया? अच्छा, उसके लिए फास्ट ट्रैक गठन क्यों नहीं किया गया? मैं छात्रा का नाम नहीं लूंगा, ओपन नहीं करूंगा, लेकिन बताइए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, इस पे कितने घंटे में कार्रवाई हो जाएगी? बुलडोजर कितने घंटे में चल जाएगा? आप क्या आरएसएस के वाइस चांसलर हैं? आप क्या ऐसे लोगों को बचाते रहेंगे? अच्छा, आप बता दीजिए कानपुर यूनिवर्सिटी दोषियों को फांसी देते हैं, लेकिन बीजेपी, पूरी बीजेपी अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, क्या ये मान
बनाने में लगे हुए हैं। की विभाग से घटना हुई है, आपकी सरकार दिल्ली में ऐसे लोगों को घर गिरा देगी, उनको फांसी की सजा दे देगी, फांसी की सजा की मांग कर लेगी, पूरे देश में भ्रष्टाचार के लिए सड़क पे आने का दम है आपके मुख्यमंत्री जी से। केसी भाई बोल रहे थे कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लिया क्या? उन्होंने शुभकामनाएं दी थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जी पहले तो हमने माना नहीं माना, लेकिन ये तो हमें विपक्ष मानते ही है। अच्छा। विपक्ष अपनी रणनीति जब तय करेगा तो वो भी सोशल फोरम पे या सबके सामने बात आई जाएगी। अच्छा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा दुख का विषय ये रहा आज पूरी डिबेट के अंदर, जी विषय के बाहर हर तरह के बात हुई, और मुझे लगता है हम प्रवक्ताओं का इस पर घिरता जा रहा है। मैं भी कभी कभी इस तरह की उदंडता करता हूँ, बिल्कुल हमें भी इससे बचना पड़ेगा। एक वरिष्ठ पत्रकार जब बैठे थे उनके साथ आज जिस तरीके का बिहेव पांडे जी, महिला के साथ बलात्कार हुआ दिल्ली में, कितना हाँ। बड़ा गंभीर मामला है हाँ। ना बीजेपी कुछ बोल रही ना कांग्रेस कुछ बोल रही है हाँ। उस महिला बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है जो रोज निकलती थी स्कूटर से काम करने के लिए, झूठा कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ। इधर 8 साल में सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ी है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ी है, एक भी आम आदमी पार्टी हो गया भाई, हो गया अपना महिमा मंडन पर करिए, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है कौन कितने पार्टी में, हो गया कौन कितने पार्टी में सब पता है। बोलिए गौरव जी, जिस यात्रा पे बात हो रही है जी, वास्तव में डरे हुए राहुल गांधी जी, सबसे कम समय उत्तर प्रदेश में दिया, 2-3 दिन का समय जी, और ये भी कहती है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा मुख्य प्रधानमंत्री दिए जी, और कांग्रेस के भी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हुए, ऐसे में सबसे कम समय उत्तर प्रदेश में देने का क्या कारण है? क्यों राहुल गांधी जी केवल चेहरा दिखा के यहाँ से लंबी यात्रा पे निकल जाना चाहते हैं, यहाँ पे समय क्यों नहीं देना चाहते किसी भाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश जी विवेक जी पत्रकार की बात नहीं सुन सकते आप, एक विपक्ष की बात क्या सुनेंगे भाई जी? ये तो आपकी हताशा नजर आ रही है हाँ। वो चाहे यात्रा की हताशा हो चाहे चाचा के साथ आने की हताशा हो हाँ। हताशा तो साफ झलक रही है भाजपा के कहीं ना कहीं उसमें केंद्र आप प्रश्न दोहरा दीजिए गौरव जी, आवाज नहीं मिल पा रही है जी। ये आलम है कि इनके प्रवक्ता बैठ करके अपने सरकार का गुस्सा, विवेक जी की आवाज नहीं मिल पा रही, आप प्रश्न दोहरा दीजिए गौरव जी। मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता है, किसी वरिष्ठ पत्रकार को इस तरह से मीडिया के सामने पानी करना बहुत ही शर्मनाक है। मैं आज थोड़ी इस विषय से मुझे थोड़ा आहत हुआ है, मैंने इनकी तरफ से पत्रकार महोदय से मेरे सवाल आती है जी। अमर भाई बोलिए गौरव जी। जी प्रश्न दोहरा दिए, मैं आवाज सुन नहीं पाया, आवाज विवेक भाई बोले नहीं पा रही जी। विवेक भाई का कहना है कि आपने पत्रकार के साथ इस तरह बात कही, मिसबिहेव किया, किस तरीके से बात कर रहे हैं विवेक भाई? विवेक पांडे का कहना, अगर अगर कोई सवाल उठता है तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा हाँ। जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की यहाँ तारीफ करने बैठे हैं हाँ। और इनको हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है हाँ। तो अगर सबसे ज्यादा दंगे यहाँ पे होते थे हाँ। समाजवादी पार्टी सरकार में हाँ। तो आप भी उनका पक्ष लेंगे, जाहिर सी बात है। मुजफ्फरनगर दंगा सरकार कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे देश में जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, और उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा दंगे हुए समाजवादी पार्टी सरकार में, तो आपकी पीड़ा जायज है, आपकी पीड़ा गलत नहीं है। मैंने सिर्फ इसी बात पर टिप्पणी की, उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश हुआ करता था और पूरे देश में दंगा हुआ करते थे। जब से योगी जी की मोदी जी की सरकार हुई है दंगा मुक्त हो गया भारत देश उत्तर प्रदेश। अगर ये बात कही किसने क्या पीड़ा जायज बात है, और वो आपको बैठ के सर्टिफिकेट देंगे हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है? आमिर भाई हिंदू मुस्लिम अगर हो रहा हो नहीं रहा होता, आमिर भाई जवाब देते हैं, वहाँ पे हटने का विरोध नहीं करती। आमिर भाई आमिर भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, जैन साहब को चिल्लाने का हैजा है, मैं चिल्लाता तो हूँ नहीं। अच्छा। लेकिन जैसा ये इन्होंने कहा, मैंने क्या महिमा मंडन किया राहुल गांधी का हाँ। अगर कोई सही बात कहना कि यात्राओं से देश आजाद हुआ है, प्रदर्शनों हाँ। से देश आजाद हुआ है, आंदोलनों से देश आजाद हुआ है, अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो क्या बुरा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो ये इन्हें बुरा लग गया, क्योंकि ये झूठ मक्कारी धोखे की राजनीति करते आए। और मैंने क्या बुरा कहा? हिंदू मुस्लिम की बिना पर आप प्रचंड बहुमत में आए, नहीं क्या आप हिंदू मुस्लिम के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं?
अभी भी आप आप कांग्रेस का महिमा मंडन करने आए हैं, प्रवक्ता लेके आई है यहाँ कांग्रेस का महिमा मंडन सुनने के लिए मैंने बैठा हूँ। और आपका काम है जिसको टिप्पणी करना, आप पचपात को टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार पचपात को टिप्पणी कर रहे हैं। सर बात यह आपके पत्रकार लिखने पर आपने आपको पत्रकार बता रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं कांग्रेस को और मोदी जी को भ्रष्ट बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को भ्रष्ट कर रहे हैं। सर नहीं आती आपको सत्ता पर आपको आमिर भाई, आमिर भाई, केसी भाई बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कौन सा भ्रष्टाचार किया, आप उनको बस्ती बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार किया उसको आप उजागर करिए। बोलिए अमिताभ सर, आप माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को आपने भ्रष्टाचार ही कहा, 15 लाख माफी मांगनी चाहिए। अरे छोड़ो प्रेमी का इतना खर्च दिया, माफी एक ही हटा दिया, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? ईडी और सीबीआई को दबा दिया, कैसे एयरपोर्ट सब मांग गए, कैसे पत्रकार क्यों नहीं आया देश के? हो सकता है आपकी विचारधारा कांग्रेस से हो, लेकिन कब से जो अपने पद की गरिमा बनाए रखी है, यहाँ पे आप पत्रकार कैसे से बैठे, आप यहाँ पर प्रवक्ता कैसे से नहीं बैठे? पीएम के यहाँ पर आपको टिप्पणी करना, आपको टिप्पणी करनी है, मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं कहीं भी पत्रकार के ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूँ, आप मेरी कोई भी डिबेट नहीं करते, ठीक है, मैं बहुत धैर्य से सुनता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी झूठा, ठीक है, हो गया, ठीक है, मांगनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, और किसी को ना तकी बोले कुछ, आप उसी देश की खाते हैं और उसी देश सही है मोहम्मद तकी कुछ बोलेंगे भाई जी, बोले देश के प्रधानमंत्री के मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी दिल्ली में हुआ उससे मेरा सर शर्म से झुक गया है और मैं शर्म से सर झुका के अपनी बात कहूंगा, कैमरे की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि जब मैंने महिला की बात करी, किशोरी की बात करने की कोशिश करी, तो सभी लोगों ने जो विपक्ष से रोकने की कोशिश की बात करी, क्या देश की आधी आबादी 50% महिलाओं के लिए हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते? इतना शर्मनाक हादसा था, एक किशोरी का पूरे जिम से कपड़े फट गए, उसके गोश्त के लोथड़े बाहर आ गए, उसकी पसंद निकल गई, बात करने को तैयार नहीं है, ये बहस करने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, शर्म के मारे मेरा सर झुक गया है, मैं शर्म के मारे सर झुका के बात कह रहा हूँ कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सबको आवाज होनी चाहिए, जो आरोपी है उनको तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, किसी पार्टी से हो, समाज से हो, कहीं से भी आए हो, आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, यहाँ चर्चा थी महत्वपूर्ण विषय पर ये कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में आगमन हो चुका है, पर इस यात्रा का केवल 3 जिलों में ही जाना, केवल गाजियाबाद, बागपुर, शामली, ये सारी बात समझ से परे है, जहां से केंद्र की कुर्सी का मान तय होता है, व्यवस्था तय होती है, वहां पर केवल 3 जिलों में जाना, अब शायद एक व्यवस्था रही होगी या एक रणनीति रही होगी कि हमको केवल और केवल गाजियाबाद, बागपुर, शामली जाना है, केवल 11 विधानसभा को टच करना है, केवल 130 किलोमीटर की यात्रा केवल उत्तर प्रदेश में करनी है। खैर, रणनीति होनी चाहिए और रणनीति ही जो पार्टी बनाती है उसके हिसाब से काम करती है, इसमें किसी और का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं इस यात्रा के माध्यम से जिस तरह से लोगों का एक हुजूम दिख रहा है वो कांग्रेस के लिए तो बेहतर होगा, पर साथ ही साथ कांग्रेसियों में जो उत्साह दिख रहा है वो भी काबिले तारीफ है, पर जिस तरह से आने वाले समय में चुनाव है, 9 राज्यों में चुनाव, निकाय चुनाव और 24 का आम चुनाव, उसमें यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा, यात्रा कितना बदलाव कर पाएगी, क्योंकि यात्रा अगर उत्तर प्रदेश में करें तो तमाम तरह की यात्रा निकाली गई, इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में भी तमाम तरह की रथ यात्रा निकली, बस यात्रा निकली, साइकिल यात्रा निकली, पर जो परिणाम हुआ वो बहुत बेहतर नहीं आया। तो केवल पुराने इतिहास को हम मानकर कि यात्राओं से बदलाव होता है, उस बात को हम सही नहीं कर सकते, बदलाव जनता करती है, बदलाव जनाधार करता है, और जनता बदलाव और जनाधार तभी देती है जब आपका संघर्ष रोड पर होता है, जब आप जनता के मुद्दों के लिए लड़ेंगे, जब जनता की बात के लिए लड़ेंगे और जब जनता की तकलीफों के लिए सामने आएंगे, तभी जनता आपकी बात समझेगी, वरना यात्रा निकालते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए और चलते रहिए। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।